संपूर्ण बिहार में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर की ओर से मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 59 बेंचों का गठन कर सुलहनीय वादों का निपटारा किया गया। कुल 24,000 लोगों को नोटिस भेजा गया था। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न बैंक, BSNL समेत विद्युत विभाग के स्टॉल लगाए गए थे। आपको बता दें कि विगत 3 वर्षों तक जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर ने केसों का निपटारा करने में प्रथम स्थान रहा है। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर के सचिव जयश्री कुमारी ने बताया कि आज के राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय फौजदारी के 1950 मामला, बिजली के 780 मामला, बैंक का 4,93,00,000, मोटर वाहन का 5,83,00,000, रिकवरी समेत कई मामलों का निपटारा किया गया। आमजन काफी उत्साह के साथ भाग लिए। आज जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन मुजफ्फरपुर शहर में भी माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में लिया गया है और आयोजित किया गया, और बहुत अच्छे तरीके से ये संपन्न भी हुआ है। जनता ने बहुत ही उत्साहपूर्वक हमारे अपील को सुन करके और हमारे भेजे गए समन पे वे लोग आए हैं और अपने वादों का निष्पादन किए हैं। फौजदारी मुकदमों में 1950 फौजदारी मुकदमे, सुलहनीय मुकदमे निष्पादित किए गए हैं, और बिजली के 780 और बैंक के 4,93,71,704 का कॉम्प्रोमाइज़ में रिकवरी हुआ है, जिसमें 1405 अकाउंट सेटल किए गए हैं, और मोटर वाहन दुर्घटना में जो क्लेमेंट होते हैं, उनके जो दावेदार होते हैं, उनको भी 5,83,33,104 करोड़ रुपये सबों में मिला है, सबों को मिला करके। तो इस तरह 49 केसों में तो अच्छा खासा रहा है। हमारा जो मुजफ्फरपुर ज़िला है, 3 बार से लोक अदालत में बिहार में प्रथम स्थान पे रहा है, और इस बार भी हम लोग प्रथम स्थान पे रहेंगे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे 59 बेंचों का गठन किया गया था, और उसमें 15 न्यायिक पदाधिकारी और उसमें न्यायिक सदस्यगण भी बैठे थे, और उन्होंने भी समों ने बिना किसी बाधा और परेशानी के जनता को सुना और वादों का निष्पादन किया। क्या उद्देश्य रहता है इसका? उद्देश्य है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में जो लंबित मामले हैं, सुलहनीय मामले हैं, वो राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बिना किसी खर्च के जनता को, छोटे छोटे मुकदमे में जो फंसे हुए हैं और वो न्यायालय आते हैं, उन्हें जो खर्च होता है, उस खर्च के बिना किसी परेशानी के जो मुकदमों का निष्पादन हो जाए, यही हमारे सर्वोच्च न्यायालय का है, और नालसा का भी यही व्यू है, उसी के तहत ये काम होता है, जो पूरे भारतवर्ष में लंबित मामले, सुलहनीय मामले को कम किया जाए।